वेलकम टू द मंथ ऑफ सितंबर. और ये मंथ वर्गो का मंथ है और लिब्रेंस का मंथ है. आपके लिए क्या होने वाला है खास आपकी टैरो कार्ड्स के अनुसार, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही. साथ ही साथ आपके लिए क्या है एंजल मैसेज, ये भी आपको बताएंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज से. आपके लिए आता है फर्स्ट कार्ड टू ऑफ पेंटिकल्स का, जो इंडिकेट करता है कि इट्स टाइम फॉर यू टू कीप अ बैलेंस इन योर पर्सनल एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप एवरीथिंग इन चेक. यानी कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. और डेथ का कार्ड आया है, वैसे ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज इज हैपनिंग फॉर द बेटर. मे बी डेथ ऑफ अ बैड पीरियड एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू पीरियड. और बेटर ये है कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत ही पॉजिटिवली लेंगे तो आपके लिए अच्छा है. भाई देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए एंजल का कार्ड आता है लर्निंग एक्सपीरियंस. एवरीथिंग इन योर लाइफ इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड यू नीड टू टेक इट पॉजिटिवली. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस, बारी अब आपकी. आपके लिए आता है द सन का कार्ड, वेयर इट लुक्स लाइक यू हैविंग अ वेरी ब्राइट हैप्पी एंड प्रॉस्परस मंथ. और मुझे लगता है ये मंथ आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है बिकॉज द सन का कार्ड आया विच इंडिकेट्स हैप्पीनेस एंड जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी. एंड द चैरियट का कार्ड आया, वैसे आप फैमिली ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह से निभाने वाले, आप अपने धर्म को अच्छी तरह से निभाएंगे. काम में आप बहुत ज्यादा बिजी होने वाले बिकॉज यू विल बी वेरी हार्ड वर्किंग, यही कहता है द चैरियट का कार्ड. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल मैसेज. आपके लिए आता है डोंट कॉम्प्रोमाइज, यानी कि कोई भी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और आपको वही करना है जो आपका दिल और दिमाग दोनों कहता है. वैसे आपके कार्ड को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है हाई. आइए बात करते हैं मिथुन राशि की यानी कि जेमिनाइज की. आपके लिए आता है फर्स्ट कार्ड जस्टिस का, जो इंडिकेट करता है कि वेल यू आर वेटिंग फॉर जस्टिस, यू आर वेटिंग फॉर थिंग्स टू गो योर वे एंड यू वांट कि अगर आपका कोई लीगल या केस मैटर है तो वो आपके फेवर में जाए, जिसके ज्यादातर चांसेस है, यही कहता है जस्टिस का कार्ड फॉर दिस मंथ. एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, लेकिन इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ द पास्ट. इट्स इंपॉर्टेंट कि आप पुराने चीजों को होल्ड ऑन नहीं करें. और अगर कोई फाइनेंशियल ट्रबल है ये मंथ तो थोड़ा सा पेशेंस रखें बिकॉज आई एम श्योर इट्स अ पासिंग फेज. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है ऑप्टिमिज्म, वेल इट्स टाइम फॉर यू टू बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक. और आपको लाइफ को ऐसे देखना है कि आपका ग्लास हाफ फुल है, यानी कि हाफ एम्प्टी नहीं है. एंड बी पॉजिटिव अबाउट थिंग्स दैट आर मूविंग योर वे. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस, बारी अब आपकी. आपके लिए आता है द हर्मिट का कार्ड, जो इंडिकेट करता है देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ डीप थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ. और आप बहुत ही कंफ्यूज्ड है अपने आगे की ग्रोथ के लिए या आगे आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए. स्पिरिचुअलिज्म इज द की, यानी कि स्पिरिचुअलिटी पे ये मंथ आप ज्यादा ध्यान दें. पूजा पाठ में अगर आपका मन लगेगा तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, यही कहता है द हर्मिट का कार्ड. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है. औरतों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है एज फार एज मनी इज कंसर्न, एज फार एज प्रोस्पेरिटी इज कंसर्न, as far as finances concerned. Queen of Pentacles तो यही indicate करता है कि work-wise this is a rocking month for you. भाई देखते हैं आपके लिए क्या है special card. Faith का card आया है, यानी कि it's time for you to take the leap of faith and just like कार्ड दिखा रहा है कि आपको एकदम फेथ रखना है और आपको भगवान और यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. आइए बात करते हैं सिंह राशि की यानी कि लियो की. आपके लिए आता है द हैंगमैन का कार्ड, जो इंडिकेट करता है दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू एज फार एज वर्क अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न, पर्सनल अपॉर्चुनिटीज आर कंसर्न. एंड द हैंगमैन तो यही इंडिकेट करता है कि यू हैव टू लर्न टू लेट गो ऑफ थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग फॉर यू. हो सकता है कि आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़े बट दैट्स ऑल फॉर द बेस्ट. लेकिन नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इंडिकेट करता है थोड़ा सा हेल्थ इश्यू, मेंटली आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कुछ चीजों के लिए, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है स्पीक द ट्रूथ या स्पीक योर ट्रूथ, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज में आप ऑनेस्ट नहीं हो पा रहे या अपने दिल की बात नहीं कह पा रहा है, इट्स टाइम फॉर यू टू स्पीक योर ट्रूथ एंड इट्स टाइम फॉर यू टू डेफिनेटली स्पीक व्हाट इज इन योर हार्ट. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. कन्या राशि यानी कि वर्गोस, बारी अब आपकी. आपके लिए आता है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है इट इज सेलिब्रेशन टाइम, इट इज गुड न्यूज फॉर यू एंड इट इज टाइम फॉर यू टू पार्टी एंड बी हैप्पी दिस मंथ. वैसे आपका बर्थडे मंथ तो है ही, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले, आर गोइंग टू बी इन अ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस मूड. एंड ये आपके लिए इंडिकेट करता है. एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है. वैसे पुरुषों के लिए ये मंथ बहुत ही अच्छा है एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न, रोमांस इज कंसर्न. एंड मुझे लगता है कि प्यार की घंटी बस बजने ही वाली
वाली है, लेकिन आपका बर्थडे मंथ है तो आपके लिए एक और स्पेशल कार्ड आता है जो इंडिकेट करता है द व्हील ऑफ फॉर्चून. वेल, डेस्टिनी इज डेफिनेटली मूविंग इन योर फेवर और मुझे लगता है कि द व्हील इज स्पिनिंग इन योर फेवर एंड स्टार्स आर श्योरली फेवरिंग यू. आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है मैरिज का कार्ड, यानी कि कुछ लोगों के लिए मैरिज कुड बी ऑन द होराइजन या इट कुड बी पॉसिबल दैट यू मे बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद योर पार्टनर एंड यू मे बी डिस्कसिंग अबाउट योर मैरिज और मैरिज प्लान. ओवरऑल वर्गोस, इट्स अ रॉकिंग मंथ फॉर यू. वैसे आपके कार्ड को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है हाई. आइए बात करते हैं लिब्रंस की, यानी कि तुला राशि की. आपके लिए आता है द टावर का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग टाइम एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न, पर्सनल लाइफ इज कंसर्न. यू मे बी अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल अबाउट सर्टन थिंग्स एंड यू मे हैव टू डील विद सर्टन इश्यूज लिब्रंस. एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है. वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑन द लव फ्रंट ये टाइम आप भले आपके लिए थोड़ा सा टेस्टिंग हो या थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन कोई चीज आपको ऐसी मिलेगी खबर जिसमें आपको इमोशनल खुशी मिलने वाली है. सो इट्स नॉट एट ऑल कम्प्लीटली बैड बिकॉज एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है एंड देयर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. अब आई देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है मिरेकल. तो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ देयर समथिंग फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड टू, देयर इज अ मिरेकल कमिंग योर वे, जस्ट हैंग ऑन एंड हैव फेथ. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. आइए बात करते हैं स्कॉर्पियंस की, यानी कि वृश्चिक राशि की. देखते हैं आपके लिए क्या है. आपके लिए आता है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है, थोड़ा सा इश्यू हो सकता है एज फार एज सर्टन थिंग्स आर कंसर्न एंड दैट विल बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू टू डील विद. एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो इंडिकेट करता है कि आपके लिए ये मंथ थोड़ा सा टफ होगा, बट ऑन द फैमिली फ्रंट आपको काफी सपोर्ट मिलने वाला है. यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड क्लोज रिलेटिव्स एंड फाइनेंशियली आपको कोई ना कोई बेनिफिट होने वाला है. वही देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है फॉरगिवनेस का कार्ड जो इंडिकेट करता है इट्स टाइम फॉर यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड लेट गो ऑफ द पास्ट एंड दैट विल फेवर यू. वैसे आपके कार्ड को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है मीडियम. आइए बात करते हैं धनु राशि की, यानी कि सैजिटेरियंस की. आपके लिए आता है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कि युवा पीढ़ी के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है. यंगस्टर्स विल बेनिफिट इमोशनली ऑन द लव फ्रंट एंड मुझे लगता है ये मंथ आप काफी बहुत अच्छा मूड में होने वाले हैं एज फार एज योर लव लाइफ इज कंसर्न एंड इमोशनल लाइफ इज कंसर्न. वैसे स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है. स्ट्रेंथ तो यही इंडिकेट करता है कि यू विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर स्ट्रेंथ दिस मंथ फिजिकली इमोशनली एंड मेंटली. आप किसी को स्ट्रेंथ भी दे सकते हैं एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है हाई एजुकेशन, यानी कि सम ऑफ यू वांट टू परस्यू योर हाई एजुकेशन दिस इज डेफिनेटली द टाइम टू डू सो एंड दिस इज डेफिनेटली द टाइम टू फोकस ऑन ऑल दैट. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है हाई. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, बारी अब आपकी. आपके लिए आता है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो इंडिकेट करता है कम्युनिकेटिव स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस मंथ और मुझे लगता है कि आप अपने दिल की बात अगर किसी से कम्युनिकेट करेंगे इट विल बी मच बेटर फॉर यू. एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो इंडिकेट्स यू विल बी गेटिंग सम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस वाया फोन कॉल, वाया ईमेल, वाया कुछ डॉक्यूमेंट्स या फिर अगर आप एक खास रिस्पॉन्स के लिए वेट कर रहे हैं तो वो आपके लाइफ में जरूर आ सकता है दिस मंथ. द फूल का कार्ड भी आया है जो इंडिकेट करता है यू विल बी टेकिंग सर्टन डिसीजंस विदाउट थिंकिंग अबाउट द कॉन्सिक्वेंस. तो आपको एकदम फूलिश नहीं होना है, यानी कि आपको थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेना है वो आपके लिए बेटर होगा, यही कहता है द फूल का कार्ड. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है विजन का कार्ड, यानी कि फोकस ऑन योर विजन, फोकस ऑन योर गोल्स एंड फोकस ऑन वट एवर योर मैनिफेस्टेशन इज, जो आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप ध्यान दें. वैसे आपके कार्ड को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है हाई. आइए बात करते हैं कुंभ राशि की, यानी कि एक्वेरियंस की. आपके लिए आता है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, यानी कि एक्वेरियन वुमन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि दिस मंथ यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ, यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर करियर मोर, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका पूरा ध्यान आपके करियर के ऊपर होने वाला है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो यही इंडिकेट करता है करियर ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी एंड यू विल बी फोकसिंग ऑन दोज थिंग्स दैट आर कमिंग योर वे. थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी आया है, लेकिन कुछ हार्ट ब्रेक या क्रिटिसिज्म भी हो सकता है. सम पीपल मे ट्राई टू ब्रिंग यू डाउन, मे ट्राई टू पुल यू डाउन, या फिर कोई आपका दिल दुखा सकता है किसी सिचुएशन में. सो ट्राई नॉट टू पे टू मच अटेंशन टू दैट. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. बिलीव का कार्ड आता है जो इंडिकेट करता है इट्स टाइम फॉर यू टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन द यूनिवर्स एंड बिलीव इन द लॉर्ड. वैसे आपके कार्ड को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो. आखिरी राशि की बारी, अब बात करते हैं मीन राशि की, यानी कि पाइसिस की.
आपके लिए आता है फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो इंडिकेट करता है कि दिस मंथ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और योर हेल्थ सिचुएशन, एंड आपको मेंटली थोड़ा सा लो बिल्कुल नहीं होना है एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉजिटिविटी. एंड नाइन ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है, वैसे अगर आप किसी सिचुएशन के लिए गार्डेड या प्रोटेक्टेड है, सो ट्राई नॉट टू बी इन दैट स्टेट एंड ट्राई टू फोकस ऑन योर पॉजिटिविटी. अब आइए देखते हैं आपके लिए क्या है स्पेशल कार्ड. आपके लिए आता है जेनरोसिटी का कार्ड, तो मुझे लगता है इट्स टाइम फॉर यू टू बी जेनरस एंड इट्स टाइम फॉर यू टू हेल्प पीपल एंड definitely people will be generous towards you in return. वैसे आपके कार्ड्स को देखकर मुझे लगता है ये मंथ आपका लकोमीटर है थोड़ा सा लो. So, September में क्या होने वाला है खास, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ. एंड आपके लिए क्या होगा खास अगले महीना, मैं फिर से आऊंगी और आपको बताऊंगी आपके लिए क्या है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन विशिंग ऑल द वर्गोज एंड ऑल द लिब्रंस अ वेरी हैप्पी बर्थडे.